हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद माजी सर। आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो है एज कैलकुलेशन, यानी उम्र निकालने का तरीका। आजकल के बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम के टाइम पे फॉर्म भरते हैं तो उन्हें अपना एज निकालने में कि कितने साल हुए हैं, कितने महीने हुए हैं, कितने दिन हुए हैं, ये निकालने में बहुत सी दिक्कतें होती है। वे सही सही कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, तो मैं उन बच्चों के लिए एज कैलकुलेशन लेकर आया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद वो आसानी से किसी का भी एज निकाल सकते हैं कि उसका उम्र कितना साल, कितना महीने और कितने दिन हो चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, अगर वो चैनल वीडियो देखने के बाद अगर उसे वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज की तारीख लिखेंगे, आज की तारीख क्या है, इधर से लिखना है, हमेशा इधर से लिखें। 16 यानी 16 अक्टूबर 2021, यही आज की तारीख। और मान लीजिए किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति का जन्मदिन मान लीजिए किसी बच्चे का जन्मदिन 10 जून 2013 को है, तो उस बच्चे का उम्र अभी कितना है, यानी परफेक्टली उसका अभी कितना उम्र, यानी कितना साल, कितने महीने और कितने दिन हो चुके हैं। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे, इधर से घटाना शुरू करेंगे यानी सबट्रैक्ट करेंगे। पहले ये डेज हैं यानी दिन हैं, ये पहले दिन घटेगा, फिर महीना घटेगा, फिर साल घटेगा, यानी फर्स्ट डेज घटाएंगे, डेज को सबट्रैक्ट करेंगे, फिर मंथ सबट्रैक्ट करेंगे, फिर ईयर सबट्रैक्ट करेंगे, हमेशा पहले ऐसे ही करेंगे। तो 16 में से 10 गया तो 6, 12 में से 6 गया तो भी 6, और 21 में 13 गया। तो अगर ऐसे अब नहीं डायरेक्ट सबट्रैक्ट कर सकते हैं तो कैरी ले लीजिए, 11 में से 3 गया 8, और यहाँ कैरी देने के बाद यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0, ये 0 और 2 में से 2 गया तो 0, ठीक है। इसका मतलब आगे का जीरो का वैल्यू नहीं है, यानी उस बच्चे का उम्र आज की तारीख में 8 साल यानी 8 ईयर 6 मंथ यानी 6 महीने और 6 डेज यानी 6 दिन हो चुका है। तो देखें उम्र निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर आप ये वीडियो को देख चुके हैं तो। चलिए जन्मदिन को हम चेंज करते हैं, अब कुछ ऐसे जन्मदिन को हम लोग सिलेक्ट करते हैं जिसमें आपको कैरी लेने की जरूरत पड़ेगी, और वो कैरी बाकी कैरी से अलग होता है। चलिए देख लेते हैं, अगर मान लीजिए किसी बच्चे के जन्मदिन 28 अक्टूबर 2006 को हुआ है, 28 अक्टूबर 2006 को हुआ है, तो उसका एज कैसे कैलकुलेशन करेंगे, यानी उसका उम्र कैसे निकालेंगे। तो फिर से वही करेंगे,
ये पहले दिन घटाएंगे, फिर महीना घटाएंगे, फिर साल घटाएंगे। तो चलिए दिन घटाते हैं। तो 16 में 28 कैसे घटेगा, अब तो कैरी लेना होगा। तो कैरी नॉर्मल वाला जिसे हम लोग कैरी लेते हैं 8 सबट्रैक्ट करते समय, वैसे नहीं लेना है। ये जब डेज को जब कैरी चाहिए तो मंथ को कैरी मांगेगा, यानी मंथ से कैरी लेगा। और वन मंथ में हम 30 डेज को ले लेते हैं एवरेज, कि वन मंथ यानी 30 डेज। तो ये 16 डेज पहले से था, 30 डेज यानी वन मंथ ये कैरी ले लिया, तो प्लस 30 कर दीजिए तो 16 और 30 46 डेज हो गया। अब कितना डेज हो गया, 46 डेज, क्योंकि 16 तारीख पहले से था और यहां से एक महीने ले लिए, एक महीने यानी 30 डेज, तो 30 डेज इसमें प्लस होने के बाद 46 हो गया, ठीक है। और ये 12 महीना था, एक महीना कैरी देने के बाद, अब यहाँ 12 महीना नहीं बल्कि कितना बच गया, 11 महीने बच गए। कितना बच गए, 11 महीने, क्योंकि एक महीना वो कैरी दे चुका है। अब हम 46 में 28 घटाएंगे, क्योंकि 16 में एक महीना जोड़ दिया तो 46 डेज हो गया। अब 6 में से 8 जाएगा, नहीं कैरी लेंगे, 16 में से 8 गया तो 8, और 41 कैरी दिए तो 3 बचा, 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ 11 में से 10 गया तो 1, और यहाँ 21 में 6 गया तो 15, ठीक है। तो इस तरह से जिस बच्चे का उम्र जन्मदिन 28 अक्टूबर 2006 है, आज की तारीख में उसकी उम्र 15 साल यानी 15 इयर्स 1 मंथ यानी 1 महीना और 18 दिन यानी 18 डेज हो चुके हैं, ठीक है। अब एक लास्ट देखते हैं, जब हमको महीने में भी कैरी लेने की जरूरत पड़ जाएगी। अभी तो हम लोग डेज में कैरी लिए हैं, अब महीने में भी कैरी लेना पड़ेगा, उसमें हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। उसके लिए हम आज की तारीख को भी बदल रहे हैं, मान लीजिए कि आज की तारीख 1 जनवरी 2021 है, मान लीजिए आज की तारीख 1 जनवरी 2021 है और जन्मदिन किसी बच्चे का 16 मार्च 2016 है, तो उसका एज कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले इधर से शुरू करते हैं, पहले डेज घटाएंगे यानी सबट्रैक्ट करेंगे। तो वन डे में 16 डेज कैसे लेस करेंगे, नहीं हो सकता, हम कैरी लेंगे इससे। तो कैरी जब लेंगे तो 30 डेज प्लस हो जाएगा, तो 1 पहले से है, 30 और आ गया, क्या बन गया, 31, कितना डेज हो गया, 31 डेज हो गया, अब क्योंकि एक महीना हम कैरी ले लिए। और यहां पर 1 महीना तो मंथ पहले से था, वो कैरी दे चुके हैं, अब यहां बचा 0 मंथ, 1 मंथ था कैरी दे दिए, 0 मंथ बचा। अब 0 मंथ में 3 मंथ कैसे घटाएंगे, तब यहां से 1 ईयर कैरी ले लेंगे, यानी 1 साल कैरी ले लेंगे। तो जब 1 साल कैरी करेंगे तो 1 साल यानी 12 महीने, 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ होता है, इसीलिए यहां 12 प्लस कर देंगे, तो 0 में 12 प्लस करेंगे तो 12 ही हो जाएगा, ठीक है। और ये 2021 है, उसमें 1 साल कैरी दे दिए, तब यहां हम 2021 नहीं बल्कि 2020 मानेंगे, ठीक है, कितना मानेंगे, 2020, क्योंकि 1 साल वो कैरी दे चुका है और यहाँ 1 महीना था, वो 1 महीना कैरी दे चुका है। अब 31 तारीख, यहाँ 31 दिन है, यहाँ 16 दिन घटाना है, यानी 31 डेज में 16 डेज लेस कर दीजिए, तो 11 में से 6 नहीं गया, कैरी लेंगे 11 में 6 गया 5, और यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1, और इधर 12 में से 3 गया तो 9 मंथ,
यानी 12 में से 3 गया तो 9, और 2020 में अगर 2016 चला गया तो 4 बचा। इस तरह से जिस बच्चे का जन्मदिन 16 मार्च 2016 है और अगर आज की तारीख 1 जनवरी 2021 होती तो उस बच्चे का उम्र 4 साल 4 इयर्स 9 महीने यानी 9 मंथ और 15 डेज यानी 15 दिन होता है। तो इस तरह से मैंने तीनों केस में यानी तीनों स्थिति में आपको जन्मदिन यानी उसका उम्र निकाल कर दिखा दिया, समझा दिया, एज कैलकुलेशन कर दी। इसी तरह से आप किसी के भी उम्र निकाल सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको समझ में भी आई होगी और अच्छी भी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।